तो दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से पीस निकल रही है, एक भी नहीं चपकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पीस काट ली है और मैं काट के रख देती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप लोगों को स्वागत है अर्चना किचन कानपुर में। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं रसादे। तो मैंने यहाँ एक कटोरी बेसन लिया हुआ है और मैं बेसन को अच्छे से भूंज लूंगी। तो यहाँ मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है और मैं यहाँ डालूंगी 2 चम्मच रिफाइंड। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई तेल बढ़िया से गर्म हो गया है और अब मैं डाल देती हूँ बेसन और बेसन को अच्छे से भूंजूंगी जिसमें कि सौंधी सौंधी एकदम खुशबू आने लगे। तो दोस्तों धीमी धीमी आंच में भूंजना है, नहीं तो नीचे जलने लगेगा। और मैं यहाँ धीमी आंच में बिल्कुल एकदम भूंज रही हूँ। और दोस्तों अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ भूंज रही हूँ और मैं अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। तो यहाँ मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक और यहाँ मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ गरम मसाला और अच्छे से करती हूँ बढ़िया से मिक्स। तो दोस्तों अब मैं डालूंगी पानी। तो पानी यहाँ मैंने गरम दिया हुआ है, आप चाहे तो ठंडा भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ गरम पानी डाली हूँ और अच्छे से पानी बढ़िया से मिक्स करूंगी और 2-3 मिनट तक मैं अभी पकाऊंगी। पानी अभी फिलहाल और डालूंगी, करीब मैंने 2 कटोरी के लगभग डाला हुआ है। और बढ़िया रेगुलर एकदम चलाती रहूंगी जिसमें गांठ ना पड़े। दोस्तों ध्यान रखिएगा एकदम बिल्कुल धीमी आंच में पकाना है, पानी डालने के बाद ही धीमी आंच में एकदम बिल्कुल पकाना है क्योंकि लगे ना नीचे। तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लाने के लिए यहाँ मैं थोड़ा सा भुजा जीरा डाल रही हूँ जिसमें कि अच्छा टेस्ट आए और मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दोस्तों एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनती है और बहुत अच्छी इसकी सब्जी लगती है। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक खाली प्लेट ली हुई है और मैं प्लेट को पलटा लूंगी और मैं थोड़ा सा लगा लूंगी रिफाइंड। अब बेसन रखू इसमें जो ये मैंने कलारा हुआ है तो नीचे चपके ना, तो ये मैं अब निकाल लेती हूँ और ये रख लेती हूँ थाली में और मैं इसी चमचे की वजह मदद से फैला देती हूँ। तो ये मैं कंचली की मदद से फैला लेती हूँ और इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। तो दोस्तों ऊपर एकदम चिकना करने के लिए यहाँ मैंने बेलन लिया हुआ है और मैं बेलन से बढ़िया से एकदम बिल्कुल चिकना कर देती हूँ ऊपर और पतला भी हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल चपक नहीं रहा है बिल्ले में। तो ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया मेरा बनके रेडी हो गया है और मैं ये 10 मिनट के लिए रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर तेल हो गया है कढ़ाई में गरम, कढ़ाई मैंने वही ली थी जिसमें मैंने अभी बेसन भूंजा है और मेरा तेल हो चुका है गरम। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा, जीरा को अच्छे से चटकने देते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ हींग और हींग डाल के अब मैं डालूंगी प्याज और लहसुन। यहाँ मैं ब्राउन होने तक बढ़िया से 2-3 मिनट तक भूज लूंगी। दोस्तों यहाँ पे मैं 2 लाल मिर्च ली हूँ और लाल मिर्च भी डाल लेती हूँ। तो दोस्तों जो मैंने लाल मिर्च डाली है इसका स्वाद इतना अच्छा आता है सब्जी में, इतना बढ़िया इसका टेस्ट लगता है खाने में, तो मैंने यहाँ पर 2 ही डाली है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 1 कटोरी
और मैं कटोरी में कुछ मसाले निकालती हूँ। यहाँ मैंने आधी चम्मच लिया है हल्दी, यहाँ मैंने एक चम्मच लिया है धनिया, आधी चम्मच लाल मिर्च, लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, आधी चम्मच लिया है गरम मसाला। अब मैं यहाँ करीब डाल देती हूँ एक चमचा के लगभग पानी और मसालों को रख देती हूँ 2 मिनट तक, तो बढ़िया से फूल जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ प्याज बढ़िया से, लहसुन प्याज ब्राउन हो रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, अभी 2 मिनट और मैं भूंजूंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लहसुन प्याज बढ़िया से ब्राउन हो गया है और मैं यहाँ मसाले रखी थी तो वो अच्छे से फूल गए हैं, और मैं डाल देती हूँ मसाला और मसाले को बढ़िया से पका लूंगी। और यहाँ मैं मसालों को 2-3 मिनट तक बढ़िया से पकाऊंगी। यहाँ मैं डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक और बढ़िया से 2-3 मिनट तक पका लूंगी, धीमी आंच में बढ़िया से पकाऊंगी। दोस्तों आप देख सकते हैं मसालों ने बढ़िया तेल छोड़ दिया है और अब मैं डालूंगी पानी। तो यहाँ मैंने आधा लोटा पानी लिया हुआ है और अब मैं डाल देती हूँ पानी, और पानी में बढ़िया से आने देते हैं खोल, ठीक है खोल बोले। तो दोस्तों पानी में बढ़िया से आने देंगे इस मसालों में उबाल, तो उबाल आ जाएगी तब तक मैं आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मैंने बेसन बना के रखा था उसकी देखिए रोटी एकदम बढ़िया सी बन गई है, और मैं ये काट लूंगी। तो यहाँ मैंने चाकू ली है और मैं चाकू से बढ़िया से कट करूंगी। तो दोस्तों यहाँ मैं छोटी छोटी पीस कर लेती हूँ बर्फी की तरीके। दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से पीस निकल रही हैं, एक भी नहीं चपकी हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पीस काट ली हैं और मैं काट के रख देती हूँ। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं उबाल आने लगी है, और दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे काला काला सा, तो मैं आज यहाँ लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ज्यादा बढ़िया टेस्ट आता है, तो इसीलिए इसमें काली हो जाती है। कोई भी सब्जी बनाइएगा लोहे की कढ़ाई में काली हो ही जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पानी में उबाल आने लगी है और मैं यहाँ पर डाल देती हूँ जो मैंने ये पीस काट के रखी है बेसन की, और इनको बढ़िया से पकने देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सब्जी हमारी पक गई है। तो दोस्तों अब मैंने निकाल ली है कटोरे में, आप देख सकते हैं मेरी सब्जी एकदम बढ़िया से बन गई है, और मैं यहाँ डाल देती हूँ हरी धनिया। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी रेसिपी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लेना। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।